Welcome student. Today we will discuss about chapter number 5, the Indian government. हाँ जी, India is our country. वैसे सबसे पहले हमें मतलब कि government के बारे में जानने से पहले हम chapter को read करेंगे. हमारे देश का नाम क्या है जी? India मतलब भारत. It is the largest democracy in the world. हमारे भारत में जो है लोकतंत्र संविधान है वो मतलब कि सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही होती है. इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. यह है जनसंख्या में हमारा जो इंडिया है दूसरे नंबर पे आता है. मोर देन 100 करोड़ पीपल लिव हियर. यहाँ पे 100 करोड़ जो लोग हैं यहाँ पे हमारे इंडिया में रहते हैं. इट इज़ आल्सो द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन साइज. सातवें नंबर पे सबसे मतलब बड़ी कंट्री है. एवरी कंट्री हैज अ गवर्नमेंट. प्रत्येक जो है प्रत्येक देश की अपनी सरकार होती है. द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री वर्क फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल. जो सरकार होती है किसी भी देश की सरकार का क्या काम होता है कि उन्होंने अपनी सर्वतम की जो प्रजा होती है, जो देश के लोग होते हैं, उनके उनके कल्याण और उनके सेफ्टी के लिए काम करना होता है, उनकी रक्षा के लिए काम करना होता है. इट इज नॉट इजी फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ ए बिग एंड पॉपुलस कंट्री लाइक्स आवर. जैसे किसी भी इस देश को चलाने के लिए सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट जो है, सिंगल जो है वो सरकार है, वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. सो देयर इज वन कंट्री, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. अगर एक देश में दो तरह की क्या होती है सरकार होती है. फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होते हैं, जो हमारा पूरा मतलब की देश की होती है, लेकिन स्टेट किसी राज्य की होती है. जैसे पंजाब क्या है, जैसे स्टेट है, तो हमारे जो स्टेट की जो सरकार होती है वो अलग होती है. सेंट्रल सरकार के बारे में जैसे हम पढ़ेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम आवर नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली. जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बैठकर अपना काम करती है न्यू दिल्ली में. द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर एंड ऑल द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव इन न्यू दिल्ली. जो मतलब हमारे सरकार में जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और भी जो भी मंत्री वगैरह हैं वो कहाँ पे रहते हैं, न्यू दिल्ली. और वह दे वर्क इन देयर ऑफिस ऑपरेटर केयर. वो यहीं पे बैठ के क्या है अपना काम करते हैं. हाँ जी, जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है किसी भी स्टेट की राज्य की सरकार. जैसे पंजाब गवर्नमेंट लगा लीजिए. आवर कंट्री इज प्रेजेंटली डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. हाँ जी, जैसे हमारा जो भारत देश है उसकी मतलब कि 29 उसके राज्य है, 7 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र है. विच ईच स्टेट हैज इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट. जिसको क्या है, हमारे जो भारत की सरकार है वही उनके द्वारा ही इनको चुना गया है. ऑल द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो मतलब कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वो क्या है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको चलाया जाता है, और उनकी जो कमांड होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है. द स्टेट गवर्नमेंट इज रन बाय द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर एंड ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. हाँ जी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है वो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स के द्वारा जो है वो चलाई जाती है. ऑल ऑफ देम लिव इन द स्टेट्स कैपिटल एंड वर्क्स इन देयर ऑफिस ऑपरेटेड देयर. जहाँ भी इनके जो वो ऑफिस होते हैं ये वहीं से अपना जो है काम करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द दैट स्टेट. However, it consult with the central government for taking important decision. हाँ जी, जैसे यहाँ पे जो सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका जो मतलब इन्होंने कल्याण के लिए वर्क करना होता है, तो ये जो है वो डिस्कशन जो लोगों के कल्याण के लिए जो भी डिस्कशन करनी होती है
होती है ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते हैं तभी ये आगे जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी अपना पद पर पाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्लाइमेट्स लाइक फ्लड फैमिन्स एटसेट्रा। अरे जब भी हमारे मतलब कि मान लो किसी भी स्टेट के ऊपर राज्य के ऊपर कोई भी मतलब कि आपदा आ जाती है जो कि हमारे डेंजरस मतलब डेंजर जोन में जब कोई भी स्टेट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है सरकार है वो जो है केंद्र सरकार जो है हमें क्या हेल्प देती है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया वाइल गोवा इज द स्मॉलेस्ट। वैन अगर राजस्थान सबसे बड़ा मतलब कि स्टेट है तो जो गोवा है हमारे भारत का सबसे छोटा है। यूनियन टेरिटरीज सदे देयर आर सम टेरिटरीज इन आवर कंट्री दैट आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंट्रल। जिसको रोजे कौन कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। देयर आर सेवन यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। हाँ जी राजे यहाँ पे हमारे पास कितने हैं सेवन मतलब कि यूनियन टेरिटरीज हैं मतलब कि उनके बीच में ही क्या है जो मतलब कि हमारी जो नेशनल कैपिटल भी है उसको भी बीच में मिलाया गया है। वाइल अंडमान एंड निकोबार इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट वन। अगर राजे अंडमान एंड निकोबार सबसे बड़ी टेरिटरीज है तो लक्षद्वीप जो है सबसे छोटी है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।